टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रैवल तो आप करते होंगे, यहाँ से वहाँ हर दिन आप ट्रैवल करते होंगे, महीने में एक बार या साल में एक बार करते होंगे, लेकिन ट्रैवल जरूर करते होंगे। और जब भी आप ट्रैवल करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी पैकिंग, और सबसे बड़ी जो पैकिंग वाली चीज़ आती है वो आता है आपका सूटकेस या फिर आपका हैंडबैग। देखिए, अगर हम हैंडबैग की बात करें तो यहाँ पे VIP है, अमेरिकन टूरिस्टर है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है जो हैंडबैग्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज है जो हैंडबैग को भी लेकर ऑटोमेशन का काम करती है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्रैवलमेट रोबोटिक्स, और इस कंपनी ने एक हैंडबैग क्रिएट किया है, एक नई इनोवेटिव चीज लेके आए हैं जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है रिसेंटली। इंडिया में आने की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आ सकता है। और इसके अंदर क्या खासियत है, क्या नई चीजें देखने को मिलती है, और कैसे ऑटोमेशन या फिर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बैग को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, आइए जानते हैं। देखिए, मैं रिसेंटली इस न्यूज के थ्रू आया तो मैंने कहा यार कमाल की चीज है तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूं मैं। बेसिकली क्या है, ये कैसा ट्रैवल बैग है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स यूज हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बैग है, जो हैंडबैग है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, और काइंड ऑफ ये जो बैग है ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। तो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो अपने स्मार्टफोन से आप एक्सेस कर सकते हो, और फिर इस बैग का जो पूरा कंट्रोल है वो आ जाता है आपके स्मार्टफोन में, मतलब कि आपके पास। बेसिकली बात करें इस बैग के सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चिप मिल जाता है, GPS सपोर्ट है, USB 3.0 है, ब्लूटूथ सपोर्ट है, इसके साथ ही यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट है। मतलब आप सोचोगे यार एक बैग के अंदर ये सारी चीज़ें, बैग है या मोबाइल फ़ोन है, क्या चीज़ है? ये एक ऐसा बैग है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की गई है, और इसमें एक ओमनी डायरेक्शनल व्हील लगाए गए हैं। तो होता क्या है, इसके जो USPS बैग की और जो इस बैग को बाकी बैगों से डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि ये बैग आपको फॉलो करता है। तो अज्यूम करिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपने एक मोमेंट याद किया होगा कि हमेशा आपके हाथ में एक ट्रॉली बैग होता है, उसके पीछे दो व्हील्स होते हैं और आप वो ट्रॉली पकड़ के खींचते हो और जहां जहां जाते हो बैग आपके साथ जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपका जो एक हाथ है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है उस बैग के साथ। लेकिन आप सोचो कि अगर ऐसा हो पाए कि आपका हाथ ऑक्यूपाई रहे ना, मतलब कि जो बैग है एक बच्चे की तरह या फिर आपका जो बोले कि आपका पर्सनल असिस्टेंट है उसकी तरह आपको फॉलो करता रहे, तो कितने कमाल की बात होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बैग ऐसा ही कुछ काम करता है। इसके अंदर बेसिकली इंटीग्रेटेड होता है एक GPS चिप जो बेसिकली आपके मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करती है, मतलब कि जिसके पास फोन है ये बैग उसके पीछे पीछे ही जाएगा जहां आप जाओगे। बात करें बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, अगर आप बैग को कंटिन्यूस मूव कराते रहते हो। या फिर इसके साथ ही इसके अंदर इतनी बैटरी कैपेसिटी है कि इस बैग से आप अपने सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो, मतलब आपका मोबाइल फोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपके कैमरास, आप इसमें VR इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसमें AR इंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हो आप इस बैग। बेसिकली इसका नाम भी यही है कि ट्रैवल मेट, मतलब कि आपके ट्रैवल करने का मेट, मतलब आपका फेलो, गैबी का फेलो, ट्रैवल का फेलो। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कमाल की चीजें लेके आता है, जैसे कि सबसे पहली चीज, जहां जहां आप जा रहे हो ये बैग आपको फॉलो करता जाएगा। इसके साथ ही बैग के अंदर ABS लगा हुआ है, मतलब कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम भी करता है कि अगर बैग के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ भी जाता है तो बैग खुद को एडजस्ट करके साइड से निकलने की कोशिश भी करता है, जैसे कि हम करते हैं। उसके साथ ही ये बैग आपको आपके बैग के अंदर कितना वेट रखा हुआ है वो भी बताता है। देखिए, ये सबसे ज्यादा यूज आती है चीज जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, क्योंकि वहां पे कुछ लिमिट होती है कि आप इतना लगेज ही कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस बैग में आप जितना लगेज डालते जाओगे उतना ये वजन बताता जाएगा कि इसके अंदर कितना वेट है या कितना पाउंड है। इसको आप वर्टिकल मूव करा सकते हो, इसको आप हॉरिजॉन्टल मूव करा सकते हो। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखो और इसके ऊपर आप बाकी के बैग भी रख दो, तो ये उन बैग्स को भी लेके आपके साथ साथ चलता जाएगा। अलर्ट करने के लिए इसमें LED इंडिकेटर्स है जो आपको बताते रहते हैं कि इसमें कितनी बैटरी बच गई और कितने टाइम तक ये बैग आपके साथ मूव कर सकता है। मतलब यार ये कमाल की चीज है, क्योंकि ऐसी चीज मैंने शायद अभी तक नहीं देखी थी। अभी मेरे सामने आई, मैंने कहा यार कुछ तो है इस बैग में, बिकॉज हर चीज में इनोवेशन आ रही है, मोबाइल में, लैपटॉप में, गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह आपको इनोवेशन देखने को मिलता है, लेकिन बैग्स में नहीं देखा था मैंने अभी तक। क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा मेन कंसर्न होता है हमारा लगेज, लेकिन सोचो अगर आपका लगेज टोटली सिक्योर हो कि जहां आप जा रहे हो लगेज आपके साथ जाएगा, इन केस मिसप्लेस भी हो गया तो आपकी परमिशन के बिना लगेज खुलेगा नहीं, आपको GPS का लोकेशन भेजता रहेगा कि मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं, आके ढूंढ लो मुझे। तो फिर आप सोचो कि ये क्या कमाल की चीज़ हो सकती है कि अगर ये बैग एक्चुअल में आपका मेट बन पाए या आपका फेलो बन पाए। खासियत क्या है इस बैग की कि जो स्पीड आपकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये बैग अपनी स्पीड को एडजस्ट करता जाएगा। इनफैक्ट मैं तो वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बैग इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं ट्राई करूंगा कि सबसे पहले मैं इसको यूज कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि क्या है इसकी खासियत। तो भाई बेसिकली ये बैग होगा एक कमाल का बैग, और मैं इसका वेट कर रहा हूँ बहुत ही बेसब्री से कि कब ये इंडिया में आ जाता है, कब मैं इसको यूज़ कर पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बैग पसंद आया होगा, और अगर ये इंडिया में आता है तो आप इसको ट्राई करना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।